डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम डिस्कस अबाउट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ग्रुप, पार्ट 4, चैप्टर 5, एनसीईआरटी साइंस। इन दिस टॉपिक वी कवर अबाउट वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटालिक करेक्टर, केमिकल रिएक्टिविटी एंड नेचर ऑफ ए ऑक्साइड। आज हम ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। ओके, ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टी हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है हमारी जो चैप्टर नंबर 5 की है, वैलेंसी। वैलेंसी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वैलेंसी जो है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज ए वैलेंसी। लेकिन इसकी एक अच्छी डेफिनेशन ये भी है कि एलिमेंट जो है अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए, यानी कि अपने ऑक्टेट को प्राप्त करने के लिए, ऑक्टेट को प्राप्त करने के लिए, कहने का मतलब आखिरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उस संख्या को, उस नंबर को हम वैलेंसी के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, लॉस एंड गेन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए किसी एलिमेंट ने स्टेबिलिटी के लिए तो उसकी वैलेंसी 2, किसी एलिमेंट ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो उसकी वैलेंसी 3, 2 गेन किए तो उसकी वैलेंसी 2। मैग्नीशियम है, इसके आखिरी कक्ष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको लॉस करेगा फिर इसके आखिरी कक्ष में 8 हो जाएंगे, स्टेबिलिटी मिल जाएगी, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे स्टेबिलिटी वैलेंसी। तो ये कैपेसिटी है किसी एलिमेंट की जो अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए जितनी संख्या के अंदर इलेक्ट्रॉन को लॉस गेन करता है उस संख्या को हम वैलेंसी के नाम से जानते हैं। ओके, अब स्टूडेंट सुनिए, जो ग्रुप होता है, ग्रुप के अंदर सभी एलिमेंटों की जो वैलेंसी होती है एक समान होती है। जैसे ग्रुप नंबर 1 है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबियम, सीजियम और फ्रेंसियम, इनके आखिरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इनकी वैलेंसी 1 ही है। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो हमारा हो जाएगा 2 1, इसका 11 है एटॉमिक नंबर, इसका हो जाएगा 2 8 1, इसका 19 है तो 2 8 8 1। तो आखिरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्ट वैलेंसी। दूसरे तरीके से समझ सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 वैलेंसी, 3 है तो 3, 4 है तो 4। ओके, लेकिन आखिरी कक्ष के अंदर जैसे फास्फोरस है, इसका एटॉमिक नंबर 15 है, 2 8 5, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 5 गया 3, 3 वैलेंसी है फास्फोरस की, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगी और ये नॉन मेटल है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो गेन करना इलेक्ट्रॉन को, लॉस करना इलेक्ट्रॉन को, जितनी संख्या में गेन किया जितनी संख्या में लॉस किया। अब एक एग्जांपल और ले लीजिए, यह एल्यूमिनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 13 है, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3, डायरेक्ट 3, 3 वैलेंसी है। ये लॉस कर देगा तो इस, ये लॉस करने पर ये ऑर्बिट खत्म हो जाएगा। अब इसमें क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 8 है तो स्टेबिलिटी है। ऐसे ही हम फास्फोरस ले लेते हैं, ऐसे हम फ्लोरीन ले लेते हैं, फ्लोरीन के अंदर 9 है, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 7, 8 में से 7 का कितना बच गया 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी वैलेंसी है 1। ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, ये वैलेंसी है। पहले ग्रुप की वैलेंसी 1, दूसरे की 2 और ग्रुप नंबर जो 13 है उसकी वैलेंसी 3, ग्रुप नंबर 14 है उसकी वैलेंसी 4, 15 है उसकी वैलेंसी 3, क्योंकि 4 तक तो डायरेक्ट वैलेंसी बन जाती है। ग्रुप नंबर 16 है तो 8 में से 6 गए आपके पास 2, ग्रुप नंबर 17 है तो 8 में से 7 गया 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो पहले आखिरी कक्ष में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो डायरेक्ट वैलेंसी, 5 6 7 आ जाते हैं तो 8 में से घटाइए, 8 में से
तो आठ में से घटेंगे तो तीन, यहां पर दो, यहां पर एक, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तभी वैलेंसी बनेगी। तो ये वैलेंसी के बारे में मैंने बता दिया, एलिमेंट की कैपेसिटी है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, जितनी संख्या के अंदर इलेक्ट्रॉन को लॉस गेन करते हैं उसे हम वैलेंसी के नाम से जानते हैं। ओके, इससे अगला देखिए टॉपिक क्या है बेटा, अटोमिक साइज। अटोमिक साइज इसमें आपका लिखने का नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट समझिए और आपके पेपर में आएंगे भी किस एलिमेंट का साइज छोटा है, किस एलिमेंट का साइज जो है आपका मैक्सिमम साइज है, मैक्सिमम साइज है, लिस्ट साइज है, मैक्सिमम साइज है। तीन चार एलिमेंट दे देंगे, बता देंगे किसकी रिएक्टिविटी कम है ज़्यादा है, और यहाँ पर यही आता है मैक्सिमम साइज मिनिमम साइज। एटॉमिक साइज दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक साइज। हम बात करेंगे ग्रुप की, ग्रुप हमारे पास स्टैंडर्ड ग्रुप यही रहेगा, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबियम, सीजियम और फ्रेंसियम। फ्रेंसियम को छोड़ दीजिए, ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। ओके, ये पहला ग्रुप है। एटॉमिक साइज जो है वो डिपेंड करता है एटॉमिक रेडियस के ऊपर, एटॉमिक रेडियस के ऊपर। एटॉमिक रेडियस जो होती है, एटॉमिक जो रेडियस होती है बेटा, ये न्यूक्लियस है, चलो इसी को मान लो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और आखिरी कक्ष के बीच की दूरी, ये न्यूक्लियस यहां पर हो गया, मिड पॉइंट हो गया इसका, न्यूक्लियस और आखिरी कक्ष के बीच की दूरी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस पर निर्भर करता है, एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडियस पर निर्भर करता है। एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियस और आखिरी कक्ष के बीच की दूरी, आखिरी कक्ष को बोलते हैं वैलेंसी सेल। क्या बोलते हैं? वैलेंसी सेल, वैलेंसी सेल बोल देते हैं, ये हमारा ये सेल है वैलेंसी सेल। ओके, न्यूक्लियस और आखिरी कक्ष के बीच की दूरी जिसे बोलते हैं वैलेंसी सेल, ठीक है, उनके बीच की दूरी को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ये जो रेडियस है ये डिपेंड करती है एटॉमिक रेडियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और आखिरी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस इसके पास भी है, वैलेंसी सेल भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास है। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है सभी का, हमने न्यूक्लियस मान लिया, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस पर निर्भर करता है, वो रेडियस निर्भर करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, किसके बीच में? न्यूक्लियस और वैलेंसी सेल के बीच में। इसके अंदर बेटे एटॉमिक नंबर है तीन, कॉन्फिगरेशन के हिसाब से दो ही सेल आएंगे, पहला सेल दूसरा सेल, पहला सेल दूसरा सेल तीसरा सेल, इसमें तीन सेल आएंगे, दो आठ एक, इसमें चार सेल आएंगे, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः। सिंपल बात है, जो वैलेंसी सेल है वो आएंगे किस प्रकार से है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और आखिरी सेल के अंदर आपका क्या है? वैलेंसी सेल है, नेगेटिव चार्ज है। इसमें दो कक्ष हैं, इसमें तीन कक्ष हैं, इसमें चार हैं, इसमें पाँच हैं, इसमें आपके रहेंगे छः। ये आपकी रेडियस, आखिरी सेल न्यूक्लियस आखिरी सेल के बीच की दूरी, यहाँ पर रेडियस सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर रेडियस सबसे कम है। तो रेडियस यहाँ पर कम है तो यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दूरी कम है, डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। यानी कि ये न्यूक्लियस आखिरी सेल को पकड़ के रखेगा, मजबूती से पकड़ेगा, मजबूती से पकड़ेगा, या भार वाले कक्ष को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इस केस में न्यूक्लियस का प्रभाव कम होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस और वैलेंसी सेल, ये हो गया वैलेंसी सेल, ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और वैलेंसी सेल, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया वैलेंसी सेल। ओके, यहाँ पर दूरी कम है, यहाँ पर दूरी ज़्यादा है, यहाँ पर रेडियस छोटी है, यहाँ पर रेडियस बड़ी है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। कम होने के कारण यहाँ पर रेडियस का साइज बड़ा है, यहाँ पर रेडियस का साइज छोटा है।
तो छोटा साइज है, छोटी रेडियस है, तो एटॉमिक साइज भी क्या रहेगा, छोटा। तो सबसे छोटा साइज किसका है, लिथियम का। पेपर में यही आएगा, समझ लो साइज किसका है, लिथियम का। सबसे बड़ा साइज किसका है, सीजीएम का। तो यहां पर ये हो गया आपका इंक्रीज डाउन द ग्रुप। इंक्रीज में देखिए बढ़ेगा आपका, डिक्रीज में घटता है। यहां पर लिथियम का जो साइज है वो सबसे छोटा है। लिथियम से बड़ा साइज किसका है, सोडियम का, ठीक है। सबसे बड़ा साइज, इससे बड़ा साइज किसका, पोटासियम का। इससे बड़ा साइज किसका, रूबियम का। और सबसे बड़ा साइज किसका है, सीजियम का। कहने का मतलब है लिथियम का सबसे छोटा साइज पाया जाता है, लिथियम का सबसे छोटा साइज पाया जाता है, जो क्योंकि इसमें कम संख्या में प्रोटॉन और कम संख्या में ही इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे बड़ा साइज पाया जाता है सीजियम का, क्योंकि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सबसे कम है। तो सबसे छोटा साइज इसका, इससे बड़ा साइज किसका, सोडियम का। देखो रेडियस बड़ी है, इससे बड़ी रेडियस ये है। तो इस प्रकार ये हुआ आपका ग्रुप के अंदर इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। तो ये लिख देते हैं हम यहां पर, यही क्वेश्चन आता है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। किसी ग्रुप में हम टॉप से बॉटम की तरफ चलेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, चाहे वो पहला ग्रुप हो, चाहे वो दूसरा ग्रुप हो, चाहे वो 13, 14, 15, सभी की स्टोरी यही रहेगी, सेम स्टोरी रहेगी। अब लिथियम से जब आप सीजीएम की तरफ चलोगे, दूसरे ग्रुप में बेरिलियम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम है। ऐसे ही आपका ग्रुप नंबर 13 है, 14 है, 15 है। तो सभी के अंदर जो ऊपर वाला एलिमेंट है उसमें कक्ष की संख्या भी कम होती है। आप ये भी समझ सकते हो दो ही कक्ष हैं, यहाँ पर तीन कक्ष हैं। एटॉमिक नंबर भी कम है, कम एटॉमिक नंबर का कम कक्ष हैं और कम ही यहाँ पर रेडियस है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर इसका इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सीजीएम का, सीजीएम का सबसे ज़्यादा, तो रेडियस भी सबसे ज़्यादा। भाई सिंपल सी बात है, एक एटॉमिक नंबर 3 है और एक एटॉमिक नंबर आपका 19 है। तीन में दो ही कक्ष बने, यही आखिरी कक्ष दूसरा ही बन गया, इसमें आखिरी कक्ष बना, 1, 2, 3, 4 फोर्थ नंबर वाला बनता है, यस या नो। तो आप ये कर सकते हो कि आपका जैसे जैसे टॉप से बॉटम की तरफ एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो कक्ष की संख्या बढ़ती है, 2, 3, 4, 5, 6, जिससे एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। रेडियस बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। एक रेडियस ये है, ये रेडियस है, एक रेडियस ये है। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर रेडियस कम है तो इसका साइज छोटा और इस एलिमेंट का साइज बड़ा है, सिंपल। तो मैंने बता दिया इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये आपका चलेगा, चाहे वो हैलोजन फैमिली हो, चाहे वो आपकी आपका अल्कली मेटल हो, चाहे वो आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल हो। हमने पढ़ लिया बेटे एटॉमिक साइज, जो एटॉमिक रेडियस पर निर्भर करता है, रेडियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर निर्भर करती है। ओके, इसको समझें, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे पेपर में यही कंफर्म किया जाएगा, स्मॉलेस्ट साइज मैक्सिमम साइज। रेडियस को हम पिकोमीटर में मापते हैं, पिकोमीटर के अंदर इसकी इकाई है। अगला जो करैक्टर है बेटे उसका नाम है मेटालिक, मेटालिक करैक्टर। क्या है, मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर ग्रुप में उस एलिमेंट का ज्यादा होगा जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि आपके पास ए बी सी डी चार एलिमेंट है, डी ने सबसे पहले लॉस कर दिया, तो इस एलिमेंट का मेटालिक करैक्टर सबसे ज्यादा है। ओके, मेटालिक करैक्टर की बात कर रहे हैं। सारी तो मेटल है, ग्रुप नंबर 1 में सारी मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबियम और सीजियम, यही लेंगे हम, यहां तक ही फ्रेंसियम नहीं लेते हम लगभग। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आपको बताया था मैंने, रेडियस पर डिपेंड करती है। यहाँ पर रेडियस कम है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ने से रेडियस ज़्यादा है, इसमें और ज़्यादा, इसमें और ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा रेडियस सीजीएम में है। तो यानी कि ये न्यूक्लियस है, ये आपका आखिरी कक्ष है, ये आपका आखिरी कक्ष है, ये है आपका वैलेंसी सेल। क्या है ये, वैलेंसी सेल। ये न्यूक्लियस है, ये वैलेंसी सेल है, इससे बड़ा, इससे और बड़ा, इससे और बड़ा, इससे सबसे बड़ा। ये न्यूक्लियस और ये क्या बेटा, वैलेंसी सेल।
ये न्यूक्लियस, ये वैलेंसी सेल, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा आखिरी कक्ष वैलेंसी सेल और न्यूक्लियस में प्रोटॉन दोनों के बीच में ही हम देखते हैं, बीच वाले जो ऑर्बिट होते हैं उनका कंसिडरेशन नहीं होता। ध्यान से देखें आप, यहां पर सीजीएम के अंदर सबसे ज्यादा रेडियस है, तो रेडियस ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सीजीएम के अंदर सबसे कम है। सीजीएम के अंदर रेडियस बड़ी होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। कम होने के कारण ये सीजीएम बाहर सराउंडिंग से एनर्जी को लेगा। किसको लेगा बेटे? एनर्जी को, और अपने आखिरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है उसको सबसे पहले लॉस कर देगा, इनसे पहले लॉस कर देगा। तो लॉस कर देगा तो सबसे पहले लॉस करेगा तो उसका मैक्सिमम मेटालिक करेक्टर होगा। क्या होगा बेटा? मैक्सिमम मेटालिक करेक्टर। तो सीजीएम का मेटालिक करेक्टर सबसे ज्यादा, इसके बाद में रूबियम का, इसके बाद में पोटासियम का, इसके बाद में सोडियम का, और इसके बाद में लिथियम का। मैक्सिमम मेटालिक करेक्टर इसका, मिनिमम मेटालिक करेक्टर इसका। क्यों? क्योंकि इसने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। जो इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले लॉस करता है उसका मेटालिक करेक्टर सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्यों लॉस करता है ये मैंने बता दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमें आपका कंसेप्ट एक ही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही हमें एटॉमिक साइज को डिफाइन किया था और इसी से हम मेटालिक करेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं। यहां पर डिस्टेंस छोटी है, रेडियस छोटी है, साइज छोटा है, तो अट्रैक्शन ज्यादा है। यहां पर सबसे ज्यादा रेडियस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो इस न्यूक्लियस का प्रभाव इस आखिरी कक्ष के ऊपर कम है, आखिरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पे कम है। तो ये सराउंडिंग से एनर्जी लेगा, इस एटमॉस्फेयर से, और अपने आखिरी कक्ष को लॉस कर देगा इलेक्ट्रॉन को, जिससे कि मैक्सिमम करेक्टर होगा। तो ये भी आपका क्या हुआ, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। मेटेलिक करेक्टर इसका ज्यादा है, यहां पर इसका ज्यादा है, कम, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा। इन तीनों के अंदर यदि आपसे पेपर में कन्फर्म किया जाए कि लिथियम सोडियम और पोटासियम में मेटालिक करेक्टर किसका ज्यादा है, देख लीजिए। इसमें दो कक्ष हैं, इसमें आपका तीन कक्ष हैं, इसमें आपके चार कक्ष हैं, KLMN। यहां पर डिस्टेंस ये है, यहां पर डिस्टेंस ये है, यहां पर डिस्टेंस ये है। ये न्यूक्लियस है, ये वैलेंसी सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये वैलेंसी सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये वैलेंसी सेल। यहां पर रेडियस बड़ी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो ये पोटासियम इस सराउंडिंग से एनर्जी को लेकर सबसे पहले मुक्त करेगा। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट मेटालिक करेक्टर। क्या बोलते हैं बेटे? मेटालिक करेक्टर। ओके, तो मेटालिक करेक्टर जो होता है वो सबसे ज्यादा किसका पाया जाता है, मैंने आपको बता दिया सीजीएम का। किसका पाया जाता है? सीजीएम का। और सबसे कम किसका पाया जाता है? लिथियम का, यदि हम इस ग्रुप की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया आपका मेटालिक करेक्टर, मैक्सिमम मेटालिक करेक्टर और मिनिमम मेटालिक करेक्टर। अभी एक ग्रुप और भी हमारे पास, हैलोजन फैमिली, वो नॉन मेटल है बेटा। नॉन मेटल जो है उनमें हम देखते हैं नॉन मेटालिक करेक्टर। क्या देखते हैं बेटे? नॉन मेटालिक करेक्टर, इलेक्ट्रो नेगेटिव करेक्टर, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव करेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रो नेगेटिव नेगेटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिव करेक्टर, यही लिख लीजिए, इलेक्ट्रो नेगेटिव करेक्टर। एक होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, वो तो मेटल का मैंने बता दिया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा कोई एलिमेंट उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहां पर हम नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगी। ग्रुप हमारा हैलोजन फैमिली रहेगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। यस या नो? हम यहां पर बात कर रहे हैं नॉट मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर। ये नॉन मेटल है सारी की सारी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। हम बात कर रहे हैं यहां पर नॉन मेटालिक करेक्टर। जब मैंने बताया कि मेटालिक करेक्टर को हम कंसेप्ट को सीखते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो नॉन मेटालिक करेक्टर को हम लर्न करेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कोई भी एलिमेंट इनमें जल्दी से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा
तो उसका नॉन मेटेलिक करेक्टर सबसे ज्यादा होगा, उसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव करेक्टर सबसे ज्यादा होगा। जैसे मैंने क्या बस लर्न किया था, ए बी और सी और डी, हमने मान लीजिए डी ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तो मैंने बता दिया था कि डी का मेटेलिक करेक्टर सबसे ज्यादा है। ए टाइम लेता है, बी भी टाइम लेता है, सी भी टाइम, डी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो लॉस जल्दी करेगा तो मेटेलिक करेक्टर उसका ज्यादा होगा। अब बात रही यहां पर नॉन मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर में मान लेते हैं कि ए जो है इन तीनों की तुलना में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसका नॉन मेटेलिक करेक्टर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। इस बात को आप लर्न करें भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मानता हूं मैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये नॉन मेटेलिक करेक्टर जिसको हम देखते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कर दो कंसेप्ट वही रहेगा। ये न्यूक्लियस है, इसमें कितने कक्ष हैं, दो, एक दो, ये न्यूक्लियस है तो दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार, पांच, ये आखिरी कक्ष की दूरी है, ये होगी रेडियस। ये दोनों के बीच में क्या, ये है वैलेंसी सेल, क्या बेटे, वैलेंसी सेल, वैलेंसी सेल, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हमें इनको इलेक्ट्रॉन देना है क्योंकि ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है सराउंडिंग में। अब हमें चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले पकड़ता है, सबसे पहले पकड़ता है, उसका जो है नेगेटिव करेक्टर सबसे ज्यादा हुआ। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर रेडियस बड़ी है, इसका प्रभाव इस पे ही कम है, तो बाहर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन पे और कम होगा। इसका प्रभाव छोटी रेडियस होने के कारण इस वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, इससे ज्यादा है क्योंकि यहां पर रेडियस ही छोटी है, तो इसका प्रभाव इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी होगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि प्रोटॉन पर आ जाता है न्यूक्लियस में, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर प्रभाव वैलेंसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रभाव है, इसीलिए तो इसकी रेडियस छोटी है। अब इस पे प्रभाव है तो इसकी तुलना में इस इलेक्ट्रॉन पे कुछ ना कुछ प्रभाव होगा, इससे ज्यादा होगा, तो सबसे पहले फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो हमारा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव करेक्टर सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद क्लोरीन का, इसके बाद ब्रोमीन का, और इसके बाद आयोडीन का। कहने का मतलब फ्लोरीन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लेगा और आयोडीन सबसे बाद में। डिक्रीज डाउन द ग्रुप, क्या हुआ है ये डिक्रीज, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हो गया बेटा डिक्रीज। इसका मैक्सिमम करेक्टर है, इसके बाद में मान लो इसका 100 था, 90, 80, 70 डिक्रीज डाउन द ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेगेटिव करेक्टर जो है यहाँ पर है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। मेटालिक करेक्टर का कंसेप्ट था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर करेक्टर है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसे हम नॉन मेटेलिक करेक्टर भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अगला हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी बहुत ही सिंपल टॉपिक है। केमिकल रिएक्टिविटी मेटल के केस में और नॉन मेटल केस में वही कंसेप्ट है। अगला कंसेप्ट है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर क्या होता है बेटे, पहला हमने मेटल ले लिया, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रूबियम, सीजियम और फ्रेंसियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक मेटल का ग्रुप ले लिया, दूसरा हमने नॉन मेटल का ग्रुप ले लिया, ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 17 है, ध्यान से सुने आप, ये 1 है और ये आपका 17 है। मेटल के केस में रिएक्टिविटी को मापने का पैमाना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटल के केस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल के केस में रिएक्टिविटी को मापने का पैमाना है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यह हमें पता है, यह हमें पता है कि मेटल के केस में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लॉस कौन करेगा, इसकी रेडियस छोटी है, इसकी बड़ी है, इसकी सबसे छोटी है, न्यूक्लियस का आखिरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रभाव न के बराबर है, तो फ्रेंसियम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा।
तो फ्रेंसियम लॉस करेगा तो फ्रेंसियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। यदि सीजियम आखिरी एलिमेंट है तो सीजियम की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो यहां पर रिएक्टिविटी कम है क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंसी सेल के बीच में जो आपकी डिस्टेंस है वो शॉर्ट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने नहीं देगा, पकड़ के रखेगा। तो यहां पर रिएक्टिविटी कम है, यहां पर रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो इंक्रीज डाउन द ग्रुप क्या होगा बेटा, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। टॉप से बॉटम की तरफ आओगे तो इसकी रिएक्टिविटी कम है, इससे ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा किसकी है, फ्रेंसियम की, इसकी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है मैंने बता दिया, ये मेटल है। यहां पर चेक करना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेक करने के लिए मान लो ये न्यूक्लियस है, ये वैलेंसी सेल है लिथियम का, तो यहां पर अट्रैक्शन ज्यादा है। इसके बाद में फ्रेंसियम है, यहां पर आपका आ गया आखिरी कक्ष, तो यहां पर इसमें प्रोटॉन है, तो ये दूरी ज्यादा होने से अट्रैक्शन कम है। तो ये सराउंडिंग से एनर्जी लेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, ये लॉस कर देगा। तो यहां पर ये हो जाएगा। अब ये है नॉन मेटल, इसमें रिएक्टिविटी, इसको हमने इलेक्ट्रॉन दिया, बताइए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, आपका लेगा फ्लोरीन। कौन लेगा बेटा, फ्लोरीन। नॉन मेटल के केस में रिएक्टिविटी के अंदर फ्लोरीन, तो फ्लोरीन जो है उसमें हो जाएगी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। फ्लोरीन जो है मोस्ट रिएक्टिव है, आयोडीन जो है लिस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि फ्लोरीन के पास न्यूक्लियस और वैलेंसी सेल के बीच की दूरी कम है, दूरी कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा है। इस पे अट्रैक्शन है तो भार पड़े हुए इलेक्ट्रॉन पे भी अट्रैक्शन होगा, एज कंपेयर टू लिथियम, एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन्स। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपका वैलेंसी सेल है, यहां पर इसका प्रभाव इसी पे नहीं है, तो भार पड़े हुए इलेक्ट्रॉन पे न के बराबर होगा। तो लिस्ट रिएक्टिव आयोडीन, मैक्सिमम रिएक्टिव जो है आपका वो हो जाएगा आपका फ्लोरीन। ओके, ये हो गया बेटा आपका रिएक्टिविटी। मेटल के केस में चेक करना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल के केस में चेक करना है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो आपको पता है डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड करता है रेडियस पे, रेडियस डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पर, नंबर पर भी हम कह सकते हैं। यस, अगला आ गया बेटा नेचर ऑफ ऑक्साइड। क्या आ गया बेटे, नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड कैसे बनता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से। ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटासियम है, इनकी ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करवा दीजिए तो नेचर ऑफ ऑक्साइड बन जाएगा लिथियम ऑक्साइड, यहाँ पर बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पर बन जाएगा पोटासियम ऑक्साइड। इन्हीं ऑक्साइड को कहीं वाटर एयर से कहीं पर वाटर वेपर मिल गए तो ये बना लेंगे लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये बना लेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बना लेगा आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड तो ये तो आखिरी में OH है, तो कैसा ऑक्साइड हुआ, ये तो बनाएंगे बेसिक सॉल्यूशन। ये ऑक्साइड कैसा है, बेसिक ऑक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड कैसा हुआ, बेसिक ऑक्साइड। ये सारी की सारी क्या है बेटा, मेटल। तो आपने लर्न कर लिया कि मेटल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती हैं, बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करती हैं। ओके, मेटल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके जो ऑक्साइड बनाती हैं वो ऑक्साइड बेसिक सॉल्यूशन बनाता है, कहीं ना कहीं ये ऑक्साइड कैसा है, बेसिक ऑक्साइड। लर्न कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाती है और नॉन मेटल जो है वो बनाती है एसिडिक ऑक्साइड। कार्बन आपकी नॉन मेटल है, सल्फर आपकी नॉन मेटल है, देखिए कैसे। नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड में मैंने आपको बता दिया ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करके जो ऑक्साइड बनता है उसे हम बोलते हैं मेटल के साथ बेसिक ऑक्साइड। ये लिख देते हैं एक बार फिर, रिपीट कर देते हैं, मेटल बनाती है बेसिक ऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। नॉन मेटल बनाती है एसिडिक ऑक्साइड। ये समझने का टॉपिक है, आप समझिए इसको। इसमें सिर्फ यही कन्फर्म होगा किसका साइज बड़ा है, किसका छोटा है, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, किसकी कम है। ओके, इंक्रीज डाउन या डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ये कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड बना, ये बन गया भाई आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसको वाटर वेपर मिल गए तो ये बना दिया H2CO3।
कार्बोनिक एसिड, ये एसिड है कहीं ना कहीं, ये कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड। कैसा बेटे, एसिडिक। नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाती है, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाती है। ओके, सल्फर है, सल्फर ने ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन की तो बना दिया SO2। अब इस गैस को वायुमंडल में कहीं से वाटर वेपर मिल जाएगा तो बना देगा H2SO3 सल्फरस एसिड, नॉट सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज ए सल्फरस एसिड। तो ये आज हमने स्टडी कर लिया, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटालिक करेक्टर, केमिकल रिएक्टिविटी, नेचर ऑफ ऑक्साइड, दिस इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीरियड्स, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ग्रुप। तो हमने ये स्टडी कर लिया। ओके, टेक केयर। 100% आप रेगुलर स्टडी करें, लॉकडाउन आपका बढ़ चुका है, स्कूल काफ़ी टाइम लेट लगेंगे, तो आपको ये स्टडी करना है यूट्यूब से। ओके, थैंक यू।